चलिए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में कैसा मौसम बना हुआ है और आगे कैसा रहेगा। मौसम के बदलते मिजाज के बीच प्रदेश में पिछले दो दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। इसके साथ साथ जगह सड़कें बंद हैं, पर्यटकों को हालांकि आने जाने में जरूर दिक्कतें हो रही हैं। तो अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने, नैनीताल और मसूरी में आपको बता दें कि पिछले दो दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। ये नैनीताल की तस्वीर है। इन सब के बीच में जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि आने जाने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि पर्यटक काफी खुश हैं। दरअसल पर्यटकों की कोशिश यही होती है कि जब भी वो पहाड़ों पर जाएं तो उन्हें बर्फबारी देखने का मौका मिले, और इसीलिए इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में चूंकि स्नो जब सड़क पर आती है तो कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं, और इस तरह की स्थिति नैनीताल और मसूरी में अभी बनी हुई है, जो वहां के लोकलाइट्स के लिए यानी कि जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए काफी परेशानी का सबब बनी हुई है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हेमंत हमारे संवाददाता नैनीताल से जुड़ गए हैं। हेमंत, तस्वीरें जो आपने भेजी है, जाहिर तौर पर पर्यटकों के चेहरे काफी खिले हुए हैं, लेकिन अगर आपसे जानना चाहें इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है और आगे के लिए क्या संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, नैनीताल और के आसपास के क्षेत्र, नैनीताल में इस समय बादल छाए हुए हैं और फिर से आसार बर्फबारी के दिखाई दे रहे हैं। सुबह हल्की बारिश हुई थी, उसके बावजूद जो है मौसम यहाँ पर ठंडा है, और उसके अलावा जो है पर्यटक यहाँ पर कल से पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, और संभावना यह है कि दोबारा से नैनीताल, मुक्तेश्वर, धानाचूली जो यहाँ के पहाड़ पानी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बर्फबारी होगी। और कुल मिला के जो स्थानीय रोजगार है, यहाँ पर जो पर्यटक स्थानीय रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, पर्यटक उनकी मदद कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से जो अलाव व्यवस्था, ठंड को लेके जो भी व्यवस्था करनी है वो थोड़ी बहुत की जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से चुनावी गर्मियां चल रही हैं, जो चुनावों में लोग जो प्रत्याशी जा रहे हैं वो बरसात के कारण अभी अपने घर पर ही बैठे हुए हैं, चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं, और इस समय जो है हल्की फुल्की बारिश के बाद जो आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर कोहरा भी छाया हुआ है, और कुल मिला के इस वक्त जो है बर्फबारी कुछ समय बाद पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जी, मौसम का बदलता मिजाज जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार में भी रुकावटें पैदा कर रहा है, खासतौर पर राजनीतिक पार्टियों के लिए दिक्कतें हैं। लेकिन चूंकि दूर दराज के इलाके भी जब हेमंत होते हैं, खासतौर पर जो गाँव, वहां पर भी संपर्क टूट जाता है स्नोफॉल होने की वजह से, तो वहां प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, जरा वहां की स्थिति बताइए। देखिए, जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हुई है तो इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, तो फिलहाल अभी जो पहाड़ी रास्ते हैं, मार्ग हैं, वो खुले हुए हैं, लेकिन ये जो बरसात है उसके अलावा जो बर्फबारी हुई हो रही है वो फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है, सेब की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मुक्तेश्वर का जो बेल्ट है वो सेब की फसलों के लिए जाना जाता है, तो काश्तकार इसको लेकर भी खुश है, लेकिन फिलहाल जो है बर्फबारी कम हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ना सिर्फ पर्यटक, ना सिर्फ व्यापारी, बल्कि किसान भी इस बर्फबारी से खुश हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त की जो बर्फबारी है वो सेब की खेती के लिए काफी मुफीद मानी जाती है। तो मौसम के बदलते मिजाज के बीच नैनीताल में सीजन की चौथी बर्फबारी से ना सिर्फ पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, बल्कि स्थानीय व्यापारी भी काफी खुश हैं। हालांकि स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा के कामों में जरूर थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वन्यजीव भी बस्तियों की ओर रुख करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान पर्यटक, स्थानीय लोग, कारोबारियों के अलावा वन्यजीव के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे गूगल पे देखा था कि मतलब वेदर में आने वाली है, शायद स्नोफॉल होगी, सो हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली आए थे, तो मतलब हमें देखने को मिल गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे हम लोग वैसे बिलासपुर से हैं।